हाँ जी, अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। इस वक्त हम सक्खर आईबीए यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। आज हम स्टूडेंट से पूछने वाले हैं कि यहाँ पे सक्खर आईबीए में स्टूडेंट लाइफ कैसी है। तो चलें शुरू करते हैं। आप लोगों का नाम क्या है और आप कहाँ से हो? मेरा नाम जुनेद है। अहमद रजा बोलने वाला। मेरा नाम जुनेद है और मैं सक्खर से। अहमद रजा फ्रॉम मीरपुर माथेरान। मैं फातिमा फ्रॉम डहरकी। शहरयार फ्रॉम सक्खर। मेरा नाम हमीद है, मैं क्वेटा से। क्रातावला सक्खर से। मारुख इंटीरियर से। यश कुमार थरपाकर। इरफान फ्रॉम केपीके। वालेकुम सलाम, आई एम अरीबा फ्रॉम ठल। आई एम हिरा फ्रॉम खैरपुर। रौनक शाहिब फ्रॉम उबारो। कैलाश कटारिया फ्रॉम शिकारपुर। मेरा नाम अब्दुल रजाक है और मैं खैरपुर से। मेरा नाम प्रकाश है और मैं थरपारकर से। मेरा नाम सुरेश कुमार है और मैं हैदराबाद से। मेरा नाम इशमत है और मैं थरपारकर से। मोहम्मद जुसेफा शेख और मैं सक्कर से। मोहम्मद अमीक और मैं भी सक्कर से। मोहम्मद अहमद फ्रॉम सक्कर। सीबिल्ला कुरैशी सक्कर। अच्छा यार, अब मुझे ये बताओ आईबीए की लाइफ ओवरऑल अगर आप रेट करो, कैफेटेरिया, पढ़ाई, टीचर्स, ये सब कुछ, ओवरऑल कैसी लाइफ है ना, यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी है यहाँ पे? यार एकेडमिक लाइफ तो बहुत अच्छी है, मतलब कि एजुकेशन को अगर हम कंसर्न करें तो वो तो बहुत अच्छी है। बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ भी लाइफ देखिए यहाँ पर। आप कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, इट्स गुड, एजुकेशन वाइज अच्छा है एंड करिकुलर एक्टिविटीज अब हो रही हैं और भी होनी चाहिए आई गेस। फन, बस ओवरऑल फन। अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ तो वहाँ पे टीचर आपको बिल्कुल चिल मिलेंगे, बिल्कुल आपको केयरिंग, आपको सपोर्ट अप करेंगे। बाकी कैफे इतना खास नहीं है, आपको देख रहा हूँ छोटा सा कैफे है। बाकी अब थोड़ी लाइव ना, कोविड के बाद जब से हमें थोड़ी लाइव मिली है। एकेडमिक के लिए भी ये इसकी पॉलिसीज आई थिंक काफी स्ट्रिक्ट है, देखा जाए दूसरी यूनिवर्सिटी से आई थिंक वो इम्प्रूव हो सकती है। आप स्टूडेंट्स को प्रेशर कुकर के अंदर 24 घंटे रखो और फिर उनको कोई एक ऐसी एक्टिविटीज भी ना दो कि वहाँ पे वो ओपन हो सके, एंजॉय कर सके, उसके बाद एक्सपेक्ट करोगे रिजल्ट अच्छे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। फुल ऑफ नॉलेज एंड अमेजिंग। इट्स फन, इट्स मोर देन फनी एंड एंटरटेनमेंट। मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत अच्छा रहा है, मगर एक जो चीज़ है जो हमें यहाँ पे मतलब अच्छी नहीं लगती वो ये है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा पढ़ाई है, ठीक है। मतलब हमारे पास कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जिस तरह स्पोर्ट्स वगैरह हो गई, इसी बार हमारा यहाँ पे कुछ हुआ है, इससे पहले यहाँ पर हमने सुना था कोई इवेंट्स वगैरह नहीं होते थे। यार मज़ा असली है कि ज़्यादातर 70% इधर स्कॉलरशिप पे आते हैं, तो स्कॉलरशिप का मज़ा है, अपना खर्चा नहीं होता, थोड़े बहुत इधर उधर दोस्त मिल जाते हैं, उनमें चाय चाय पीते हैं, दोस्ती मिला। अभी ऐसा है कि अभी हमने सिर्फ आईबीए से लिया है, पैसे भी लिए हैं, स्टाइपेंड मिलता है, दोस्त भी हैं, वो खाना खिलाते पिलाते हैं, मजे की गुजर रही है यार। मैं मेरी एक टांग नकली है, मैं गरीब हूँ। इस तरह की है यार, अब इस वीडियो के बाद अगर आपके स्कॉलरशिप वो कैंसिल करते हैं ना, मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए। भी गरीब हूँ और भी गरीब हूँ, ये मैं नहीं कह रहा ना, अभी तक भी पैसे नहीं है और स्कॉलरशिप दे दे अच्छा रहेगा। आई थिंक एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज है, हमें इस वजह सेम लग रहा है क्योंकि हम सक्खर के रहने वाले हैं, जो है उसी तरह से कॉलेज लाइफ चल रही है लेकिन डिफरेंट है। ऐसा है कि यहाँ पढ़ाई बहुत है लेकिन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी हैं, अगर आप उनको पढ़ाई के साथ लेके चलते हो तो ओवरऑल एनवायरनमेंट बेटर है। फनी एंड एंटरटेनमेंट दो पर रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, आप यहाँ पे एंजॉय नहीं कर सकते, आप लाइक आउटिंग नहीं कर सकते अपनी बेच के साथ, सबसे ज़्यादा यही है रेस्ट्रिक्शन जो एक चीज़ जो आईबीए के बारे में, आईबीए के टीचर्स काफ़ी बेहतरीन हैं, मतलब पढ़ाने के अंदाज से, और हमने जो देखा है हमारे सीएस के खास तौर से जो टीचर्स हैं काफ़ी अच्छी तरीके से समझाते हैं, इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा रहता है। बाकी एक चीज़ आईबीए लैक करता है एक्सपोजर को थोड़ा सा। इवेंट होते हैं अभी तक जो मैंने देखे ना, वो इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं लाइक वाइज के मिड है तो उसके बाद कोई इवेंट आता है गाला नाइट वगैरह होता है, तो उसमें तो बंदा की जो डिप्रेशन होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, तो जैसे कि और ज़्यादा इतने तो नहीं है कि जितने हो सके, लेकिन कुछ जो चीज़ें मैंने अपने एक्सपीरियंस में किया है इस पे तो वो बहुत ज्यादा अच्छी हुई है। जी मेरे लिहाज से तो मिक्सअप है, जैसे बर्डन ने पढ़ाई का उससे अलावा बहुत सारे एक्सपीरियंस भी है यहाँ पे, अच्छा सही है मेरे लिहाज से, बहुत अच्छा। कॉलेज लाइफ के सेम ही है, कोई इतना कोई डिफरेंट नहीं है, यूनिवर्सिटी लाइफ थोड़ी चेंज होती है कॉलेज लाइफ से, थोड़ा सा जो एक्सपोजर नहीं मिला हमें क्योंकि हम सक्कर के रहने वाले हैं, शुरू से यहीं पे पले बढ़े हैं, रहायश हमारी यहीं की है, अभी भी हम यहीं पे ही हैं, वही फ्रेंड्स हैं हमारे सारे जो कॉलेज में हमारे साथ थे, स्कूल में साथ थे, तो और अब वही हम सारे के सारे साथ हैं। गलती इनकी है, गलती हम सबकी है, गलती हम सबकी है। अगर आपको फ्रेंड्स अच्छे मिल जाते हैं, अच्छी कंपनी मिल जाती है तो लाइफ इज गुड, और अगर फ्रेंड्स ना मिले फिर आई भी बंदा तो बस फिर हॉस्टल्स में जाके बैठ जाए। कोर्सेज में बहुत ज़्यादा टफ टाइम देती है क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटी में एक मिड होता है, यहाँ पे फर्स्ट मिड होता है, सेकंड मिड होता है, फाइनल होता है, हर महीने के बाद पेपर होते हैं, तो क्लासेस भी कितनी वीक चलती है, इवन 3 वीक चलती है, उसके बाद 2 वीक्स हमारे एग्जाम्स में चल जाते हैं, तो ठीक है, तो हमारे हिसाब से हमारी एक हिसाब से हमारी ग्रूमिंग नहीं हो रही, हम सिर्फ क्या रोबोट बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना, तो इस हिसाब से आईबीए को चाहिए कि थोड़ा हमें टाइम दे, स्पेस दे के हम अपने आप की ग्रूमिंग करें, थोड़े नावल्स पढ़ें, बुक्स पढ़ें, जिससे खुद की हम आगे जाएं तो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में वो काम आएंगे, ये थ्योरीज वगैरह हम भूल जाएंगे, आज पढ़े कल हम भूल जाएंगे। आपका क्या ख्याल है?
खूबसूरत बहुत है तू, लेकिन दिल लगाने के काबिल क्या बात है। मतलब आई भी हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर नहीं पाया यार, बस यही सीन है। पर वैसे माहौल अच्छा है अपनी, मतलब शहर में एक ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है यहाँ पे मैं मिल रहा है तो अच्छा है, इट्स ऑल गुड। सब्जेक्ट वगैरह प्रेशर तो होता ही है, मगर उसके साथ साथ टीचर और स्टूडेंट के बीच में टीचर्स कोऑपरेटिव भी हैं, फ्रेंड सर्कल है, ग्रुपमेट्स वगैरह हैं जो एक दूसरे मदद भी करते रहते हैं। जैसे आपने पूछा कि आईबीए का माहौल कैसा है, आईबीए का मतलब बाकी सारा कुछ ठीक है भाई, ये कि अभी जो है हमारे पास न्यू पीडीसी वगैरह वो जो है उसका सीन बन रहा है तो काफ़ी जो है ना इंजॉय होगा, माहौल ठीक होगा क्योंकि कैफ़े अच्छा होगा, लेकिन अभी तो कैफ़े जो है वो काफ़ी छोटा सा है तो इस वजह से इतना वो नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर चिल हम तब करते हैं जब ज़्यादातर स्पोर्ट्स गाला होता है, हमारे पास काफ़ी इवेंट्स होते हैं तो हम उसमें काफ़ी ज़्यादा चिल आउट करते हैं, और ज़्यादातर मज़ा तब आता है जब हमारे एग्ज़ाम का टाइम होता है, तो एग्ज़ाम के टाइम होता है कि दोस्तों के साथ प्रेशर तो होता ही होता है लेकिन दोस्त जब आपस में बैठते हैं तो काफ़ी ज़्यादा। अच्छा लोग आते हैं कि वो यूनिवर्सिटी देखते हैं पहले फिर कैफे देखते हैं, ये भाई पहले कैफे देखते हैं फिर यूनिवर्सिटी देखते हैं, कहते हैं कैफे अच्छा होगा तो पेट पेट का पहले केयर करते हैं फिर दिमाग का करते हैं, जब पेट में कुछ नहीं होगा फिर दिमाग में क्या होगा यार। सही बात है, ये बात, ये पॉइंट है, दिमाग का कंसंट्रेट खाने पे। अभी भी हमने कहा 5 पूरियां मंगाओ, 10 पूरियां रखी हुई वहां पे, 10 पूरियां उसने कर दी ऑर्डर में।